मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करूंगा। इसमें अपने तीन क्वेश्चन बाकी रह गए थे, 5, 6 और 7। तो तीनों क्वेश्चन को आज हम सोल्व करेंगे और आपकी एक्सरसाइज है वन, वो उनको जो चैप्टर है फर्स्ट आपका वो कंप्लीट करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 5 है, द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबव जीरो। यानी जो टेम्परेचर है वो दिया गया है आपका, जो 12 नून यानी जो दोपहर के जो 12 बजे है उस टाइम जो टेम्परेचर था वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड था अबव जीरो, यानी जीरो से ऊपर था। ऊपर था जीरो से, जैसे ये जीरो दे रखा है, जीरो से अबव यानी ऊपर है तो किस में रहेगा, प्लस में, और बिलो यानी नीचे रहेगा तो किस में रहेगा, टेम्परेचर माइनस में रहेगा। तो इफ द डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर होवर एंटिल मिडनाइट, यानी रात के जो 12 बजे हैं वहां तक जो टाइम दोपहर के 12 बजे से लेकर मिडनाइट यानी रात के जो 12 बजते हैं वहां तक जो भी टेम्परेचर वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर होवर के अकॉर्डिंग क्या है, कम होता जा रहा है। तो कम हो रहा है 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो किस में रहेगा, वो माइनस में रहेगा। और 12 बजे का जो टाइम है दोपहर का, उस टाइम जो टेम्परेचर था वो कितना था, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो प्लस में था। तो एट व्हाट टाइम वुड बी टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो। तो कितनी बजे टेम्परेचर वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होगा जीरो से, यानी कितनी बजे आपको ये जो टेम्परेचर वो होगा 8 डिग्री सेंटीग्रेड यानी माइनस में होगा, तो कितनी बजे होगा, तो आपको वो टाइम बताना है। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और मिडनाइट को यानी रात के 12 बजे तक जो टेम्परेचर है वो कितना डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, तो ये आपको बताना है इसमें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो टेम्परेचर है 12 टाइम यानी 12 बजे कितना था टेम्परेचर आपका, 10 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। नेक्स्ट जो आपका ने जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे ये 12 बजे का था, 1 बजे बाद में कितना हो जाएगा, 10 डिग्री में आपको कितना कम हो गया, 2 डिग्री कम हो रहा है, तो कितना होगा यहाँ पे 8 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 बजे कितना होगा, अब 8 हो गया, 8 में से आपको फिर से 2 लेस करना है तो कितना बचेगा यहाँ पे, 6 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 बजे कितना होगा, 6 - 2 = 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार से 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से चलते जाना आपको। जीरो हो जाएगा यानी 5 बजे इसको जो टेम्परेचर वो जीरो हो जाएगा, फिर इसके बाद में 6 बजे 0 - 2 = -2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। 7 बजे हो जाएगा आपका 2 में -2 में आपको -2 लेस करना तो कितना होगा, -4 डिग्री सेंटीग्रेड, -4 2 डिग्री, -6 डिग्री सेंटीग्रेड, -6 - 2 = 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका जो टाइम है जीरो से नीचे, ये रहा जीरो से नीचे यानी माइनस में 8 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर वो कितनी बजे होगा, 9 बजे होगा यानी 9 o'clock जो टाइम होगा वो कितना रहेगा आपका, 9 o'clock। तो आपको ऐड करना है इसके लिए, जो क्वेश्चन में आपको पहले पूछा गया है यहाँ पे, व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो, तो आपको ऐड करना है द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो इक्वल टू 9 o'clock। तो ये तो था फर्स्ट का आंसर। सेकंड में बोला गया आपको व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट,
यानी दोपहर के 12 बजे से लेकर जो वॉच होती है, ये तो आपकी सबकी देखी हुई है, जो ट्वेल्व से लेकर यानी दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, तो कितना टाइम हो गया ऐसे वन से लेकर ट्वेल्व ओवर हो कि नहीं आपके, ये यानी जो 12 बजे से लेकर 12 बजे तक कितने हो गए 12 ओवर। 1 घंटे के अंदर अगर टेम्परेचर जो आपका 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है तो 12 ओवर में कितना होगा? पर ओवर जो टाइम है नून टू मिडनाइट कितना हो जाएगा? 12 ओवर। टेम्परेचर कितना होगा यानी 12 ओवर हो गया और -2 डिग्री सेंटीग्रेड जब मल्टीप्लाई करना तो 12 टू 24, 24 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। लेकिन जो दोपहर के जो 12 बजे जो टेम्परेचर था वो कितना दे रखा था यहाँ पे आपको? 10 डिग्री सेंटीग्रेड पहले से दिया गया था, ये आपका जीरो यानी प्लस के अंदर है, और जो आपका 24 डिग्री सेंटीग्रेड है ये किसमें आया है? माइनस के अंदर आया है। तो पहले से कितना दिया गया था आपको टेम्परेचर? 10 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया, तो आपको लेस करना है इसमें। यानी -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया, पहले से कितना था 10 डिग्री, तो 10 डिग्री इसमें से हटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ पे माइनस नहीं करना, यहाँ पे अगर माइनस करोगे तो आपका जो माइनस में 24 माइनस में 10 मिला गया, आपका माइनस में टेम्परेचर जो आपका 34 हो जाएगा। लेकिन क्या करना है, नॉर्मल सा आपको ये देखना है, जैसे टेम्परेचर पहले कितना था 10 डिग्री था, अब कितना हो गया यहाँ पे 24 हो गया, तो जीरो से देखना है आपको, जीरो से कितना हुआ है, जो 24 था वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ है, लेकिन पहले से कितना था आपका 10 डिग्री, तो आपको जीरो से देखना है कि जीरो से पूछा गया यहाँ पे व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, तो मिडनाइट यानी रात को 12 बजे कितना होगा टेम्परेचर, तो यहाँ से आपको जीरो से तो हटाना है, जैसे यहाँ पे आया था आपका जीरो है ना, यहाँ से चलेंगे तो 12 टाइम, जैसे 10 11 12 -8 2 इक्वल हो जाएगा 10, फिर -10 12, फिर -2 14 डिग्री। इस प्रकार से जो मिडनाइट है 12 रात के 12 बजे, जो टेम्परेचर होगा वो -14 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो इस प्रकार से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, और डायरेक्ट आप इस प्रकार से भी इनको सोल्व कर सकते हो। तो ये थे क्वेश्चन, ये तो हो गया फर्स्ट का आंसर और ये हो गया आपका सेकंड का आंसर। ये आपको राइट नहीं करना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स, इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। यानी अगर एक क्वेश्चन राइट करते हो तो उसके लिए आपको 3 नंबर्स दिए जाते हैं, और एक क्वेश्चन अगर रॉन्ग करते तो उसके लिए -2 नंबर्स है, और कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व नहीं करते तो उसके लिए आपको 0 नंबर दिया जाता है या कोई मार्क्स नहीं दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राधिका स्कोर 20 मार्क्स, जो राधिका उसका जो स्कोर है वो कितना है? 20 मार्क्स है। इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, उसने कितने आंसर राइट किए? 12। हाउ मेनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, तो उसने कितने क्वेश्चन ऐसे किए हैं जो रॉन्ग किए हैं? तो इसके लिए आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ किस प्रकार से आपको राइट करना है। कोई भी नंबर से जैसे टोटल नंबर दिया गया यहाँ पे 20, तो टोटल नंबर जैसे आपका 20 दिया गया है, आपको एक चीज के बारे में दो नंबरों को जोड़ के मिला हुआ है करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर से मिलके बना हुआ है। जैसे ये नंबर है 15 + 5 से मिलके बना है, लेकिन एक नंबर यहाँ से मैं हाइड कर देता हूँ कि जो ये तो राइट के लिए और ये रॉन्ग के लिए, तो ये जो कितने क्वेश्चन होंगे वो आपको यहाँ पे राइट करना है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको जो टोटल है 20 ये प्लस का दिया गया, इसकी वैल्यू क्या मानेंगे अपन एक्स,
15 है, 15 लेस करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 5। इसी प्रकार से इसको सोल्व करना है। तो राधिका स्कोर कितना दिया गया, 20 मार्क्स दिया गया। तो ये लाइन आपकी पहले से ऑलरेडी राइट की गई कि राधिका स्कोर है वो कितना है, 20 मार्क्स है। शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, तो कितने आंसर करेक्ट करती है, 12। और एक जो आंसर राइट करने के कितने नंबर मिलता है यहाँ पे, 3 नंबर। करेक्ट आंसर कितने किए उसने, 12 मल्टीप्लाई कितना नंबर मिलता उसको, प्लस का 3, तो कितना हो जाएगा 36 मार्क्स। यानी उसको करेक्ट आंसर करने के 36 मार्क्स मिले, और जो इसका स्कोर था टोटल वो कितना था, 20 मार्क्स। तो ये तो आपके कितने आ गए, राइट करने वाले के लिए अगर राइट क्वेश्चन किया आपने 12, उसके लिए तो 36 मार्क्स है, लेकिन रोंग कितने के थे वो कट के कितना हो गया 20। तो आपको राय फाइंड करना है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया गया था इनकरेक्ट आंसर के लिए, क्या करना है, टोटल मार्क्स कितना दिया गया था आपको 20, 20 में से लेस करना है 36। तो कितना आएगा यहाँ पे, -16। यानी माइनस जो 16 नंबर्स उसके इनकरेक्ट आंसर करने के आ रहे हैं, लेकिन इनकरेक्ट आंसर करने के लिए उसको कितना नंबर मिलता था, एक के लिए 2 नंबर्स। तो आपको क्या करना है, इसमें डिवाइड देना है -2 का, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 8 16। तो कितने क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए, 8 क्वेश्चन। या आंसर राइट कर सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से सोल्व करना आपको। मोहिनी स्कोर -15 मार्क्स इन दिस टेस्ट, यानी जो मोहिनी है उसको कितने मार्क्स मिलते हैं, सॉरी -5, यानी मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट, यानी इसी टेस्ट के अंदर मोहिनी को -5 मार्क्स मिलते हैं। तो शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर, यानी वह 7 करेक्ट आंसर करते हैं, तो हाउ मेनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, तो कितने क्वेश्चन उसने इनकरेक्टली वहां सोल्व किया है। तो जो क्वेश्चन था आपका ये सेकेंड वाला, वो मैं इसी के ऊपर सोल्व करवा रहा हूँ। तो मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर -2, तो करेक्ट आंसर कितने के थे उसने, 7, और करेक्ट सॉरी 1 करेक्ट आंसर के लिए कितना नंबर है, -3 नंबर, फिर +3 नंबर दिया गया, और उसने करेक्ट आंसर कितने के थे, 7, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 × 3 = 24। और यहाँ पे क्या करना है, करेक्ट आंसर के लिए तो दिया गया था, लेकिन इनकरेक्ट आंसर के लिए, इनकरेक्ट आंसर कितने किए उसने, उसके लिए आपको नंबर फाइंड करना, तो टोटल मार्क्स दिए गए थे उसको -5, तो -5 में आपको लेस करना है 21, यानी -5 में आपको माइनस करना है
टोटल नंबर है, टोटल नंबर में आपको लेस करना है, तो अभी आपने करेक्ट आंसर के लिए आया था 21, तो 21 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल नंबर आपका -26। तो अब क्या करना है, -26 में आपको डिवाइड देना है -2 का, तो कितना आएगा 13। यानी उसने कितने आंसर इनकरेक्ट राइट किए थे, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, एन एलिवेटर डिस्टेंस इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर प्रति मिनट, यानी पर मिनट, इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 2 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। यानी क्वेश्चन में बोला गया कि एक एलिवेटर डिस्टेंस है, वो क्या करता है, जो खान होती है उसके अंदर नीचे जाता है, तो नीचे जाता है तो उसकी जो रेट है नीचे जाने की 6 मीटर प्रति मिनट, यानी एक घंटे में वो, सॉरी एक मिनट में वो है 6 मीटर नीचे जाता है। तो जो ग्राउंड लेवल है, ये जो ग्राउंड लेवल है और ये जो खान है ये मान लो यहाँ पे, तो इसकी जो गहराई वो है आपकी -350। लेकिन ग्राउंड ये जो 10 मीटर अबव, 10 मीटर ऊपर दिया गया आपको यहाँ से, तो ये होगा आपका प्लस में, तो 10 मीटर अबव ऊपर से दिया गया, तो यहाँ से स्टार्ट करता है और यहाँ तक चलता है, तो यहाँ तक जाने के लिए उसको जो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कितनी दूरी हो गई, कितनी मीटर दूरी है, तो 350 मीटर एंड 350, तो ये हो गई यहाँ से ये, तो और ऊपर से दे रखी है आपको 10 मीटर, तो टोटल कितनी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपका जो दिया गया था 350 प्लस करेंगे आप इसमें 10, तो ये तो कम होगा आपका, लेकिन आपको क्या करना है, बढ़ाना है इसको, तो क्या करना है इसमें माइनस ऐड करना है -350 और 10 मिला के कितना हो जाएगा 360। तो जो दूरी है वो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की वो कितनी हो जाएगी 360, यानी आपको ये देखनी है 360 मीटर है और यहाँ पे दिया गया आपको 6 मीटर पर मिनट का ले रहा है, तो आपको क्या करना है इसमें डिवाइड देना है 6 का, तो जो भी टाइम होगा वो आपके पास फाइंड हो जाएगा। टोटल जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, टेन, तो टोटल है आपका -360 मीटर, और उसकी जो रेट है वो कितनी है 6 मीटर पर मिनट, आपको 6 का डिवाइड देना है इसमें, तो जा रहा है ये 6 का डिवाइड देंगे 360 मीटर में, और आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस में दिया गया 350 और ये आपको दिया गया था प्लस में 10, तो इस प्रकार से तो आपका माइनस में आ रहा है, और अगर 6 का डिवाइड करके तो आपका जो तो आंसर वो किस में आ रहा है, माइनस में 60 आएगा। लेकिन आपको क्या देखना है, नॉर्मली आपको क्वेश्चन तो समझना है, लंबाई देखनी है आपकी, पूरी जो लंबाई है वो कितनी है, ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ से 10 था और ये आपका 350 दिया गया यहाँ से यहाँ तक, तो इंटीजर्स के अकॉर्डिंग दिया गया माइनस का और ये दिया गया आपको प्लस का। लेकिन अगर आप ऐसे नॉर्मल देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी लंबाई है वो कितनी है 350 है, और ऊपर वाले की कितनी है 10 है, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा 360। नेगेटिव पॉजिटिव में आपको नहीं देखना, तो अगर आप इसको नेगेटिव रखते पॉजिटिव रखते हो तो आपको सिंपल सोल्व कर सकते हैं इसको, तो ये आएगा आपका 60 मिनट, 60 मिनट इक्वल टू कितना होता है आपका 1 आवर, तो इस प्रकार से आप इसको जो टाइम है वो राइट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व करते हो इसको, इसमें आपको डिवाइड देना है